नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गुना मृगवास थाना क्षेत्र में लगातार 3 घटनाएं घटित होने के उपरांत मृगवास पुलिस ने सिर्फ तीसरी घटना हनुमान जी की प्रतिमा को मेला लगाने के मामले में कैलाश शर्मा पुत्र मन्ना लाल शर्मा उम्र 50 वर्ष आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर आरोपी की पत्नी और बेटे ने बताया कि पुलिस ने जबरन मारपीट घटना को अंजाम देना कबूल करवाया है। पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया कैलाश शर्मा के विरोध में मृगवास हिंदू समिति द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर के सरपंच नरेश बैरागी सहित ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस द्वारा कैलाश शर्मा को झूठा आरोपी बनाया गया है। मामले के उच्च स्तर से जांच की जाए। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। भाषण दे रहे थे, इवन ये भाषण नहीं देंगे, मैंने कोई नहीं सुन रहा। मैंने आके मेरे जब मैं बैलन के बीच में जाके मैंने रोई भाषे, जब उनसे कहीं बनी मेरे कोई नहीं सुन रहा। मैंने वहाँ से जब हमने मैडम से उनसे बात करी, प्रियंका मैडम से और उनसे, उनमें से आप एक किसी को भी जानती जो लेके गए? मैं किसी को नहीं जानती, मेरे नाम से कह, मैं पूरे गाँव में से किसी को बहुत कम जानती हूँ। मैं नाम से ही जानती हूँ तो शकल से नहीं जानती, शकल से जानती हूँ तो नाम से नहीं जानती। मैं घर से बाहर जाती भी नहीं हूँ ज़्यादा उनकी। मैंने अगर गुनहगार होते ना तो मैं भी उनका साथ नहीं देती, मैं कभी नहीं देती, झूठ का साथ कभी नहीं दिया मैंने आज तक। पर इस बार उनकी गलती नहीं है क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं, मैं रात दिन में आखन के सामने रह रहा है, मैं कैसे मान लूं? करी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, वो बचने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और मेन वो दिन तो बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। मेरे पति को इंसाफ मिले बस। उस दिन वो घर पे कितने दिन रुके, मतलब कितनी देर रुके और पूरे दिन से क्या कहाँ थे? वो पूरे दिन घर पे ही थे। उस दिन 11 थी तो हाँ। मेरे घर पे सामान लाने वाला कोई नहीं, मैंने सामान भी मंगाया 2-3 बेर में, बाजार भी गए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और वो जे के बाद आके मैंने रंगोली वगैरह बनाई घर में, चौक वगैरह बनाया, तैयारी कर रही थी मैं पूरी, वहीं पे बैठे थे, वो सामान उठा उठा के इधर से इधर रखते रहते हैं घर पे, घर से बाहर नहीं जाते, नहीं जाते हैं घर पे से ज्यादा। क्या तो टीवी देख लेते हैं या सो जाते हैं, नहीं सामने की होटली बैठे, 50 जन पूरा मोहल्ला खड़ा है, पूछ लो तुमसे, मेरे पे विश्वास नहीं, उनसे पूछ लो। मैं लालू कुमार सेन संयुक्त सचिव सनातन धर्म समिति मृगवास, आदरणीय दीपक जी चौरसिया अध्यक्ष सनातन धर्म समिति मृगवास, राजेंद्र जी सोनी जो सचिव हैं सनातन धर्म समिति मृगवास के, चूँकि विगत 10 से 12 दिनों में 3 घटनाएं हुई और पुलिस द्वारा केवल अंतिम जो घटना थी उसमें तत्कालीन कार्रवाई करके कैलाश शर्मा नामक व्यक्ति को, मृगवास के निवासी हैं, उनको पकड़ के आरोपी बनाया। समिति या हिंदू धर्म या समस्त हिंदू समाज ये नहीं चाहता कि किसी भी आरोपी को बख्शा जाए, आरोपी किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग समिति उससे करती है। परंतु उतनी ही सख्ती से सनातन धर्म समिति मृगवास ये भी कहती कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई ना हो। पुलिस द्वारा कैलाश शर्मा जी को पकड़ करके जैसे उनके घर वालों और हम लोग उस समय थाने में FIR करवा रहे थे इस घटना की, उसी समय उनकी पत्नी पहुंची थी कि हमारे पति को लेके आए हैं, लेकिन वहाँ पे कैलाश शर्मा जी को नहीं लाए, इस बात की गवाह हम लोग उसी समय वहाँ थे। 2-3 दिन तक उनका पता नहीं चला और फिर अचानक पुलिस प्रकट करती है उनको कि ये दोषी हैं, तो पहला प्रश्न तो बनता है कि 2-3 दिन कैलाश शर्मा जी कहाँ थे और पुलिस ने उनके साथ इतनी मारपीट यदि की तो क्यों की। दूसरा एक समिति का बड़ा प्रश्न है कि जो सबसे पहली घटना थी जिसके विषय में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने आज सुबह ही SIT गठित की है, मेडी के सामने जो एक शिवालय है वहाँ से शिवलिंगों को तोड़ के ले जाने। देखिए दिनांक 2 नवंबर, 10 नवंबर तो 12 नवंबर को लगातार 3 ऐसी घटनाएं घटी जिनकी जितनी भी निंदा की जाए, एक घटना में भगवान के शिवलिंग को तोड़ कर ले गए, नाग देवता को ले गए, दूसरी तीसरी घटनाओं में भगवान के ऊपर मेला फेंका गया या मेला रख दिया गया, ये ऐसी घटनाएँ हैं ये जिनकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और हमारी तो ये मांग है कि अपराधी कोई भी हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, तो जो भी अपराधी हो, हम अपराधी का पक्ष नहीं करते, लेकिन जो वास्तविक अपराधी है, जो सही अपराधी है, उसको कार्रवाई हो, उसको दंड दिया जाए। अब तक का जो घटनाक्रम बना है उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सारी जनभावनाएं, सारे क्षेत्र के लोगों की भावनाएं और मृगवास क्षेत्र के लोग जिन पंडित जी कैलाश जी को आरोपी बनाया गया है उनको यहाँ के लोग तो जानते हैं,
तो ये लोग तो स्वाभाविक है कि उनके स्वभाव से, उनकी प्रकृति से, उनकी दिनचर्या से परिचित हैं, तो यहाँ के लोगों को तो स्वाभाविक रूप से विश्वास है ही नहीं। रघुवास, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो तीनों घटनाएं हुई, इन तीनों घटनाओं में एक ही अपराधी है, और अगर एक ही अपराधी है तो फिर ये शिवलिंग की जो पिंडी को ले गए, अगर मुख्य आरोपी अगर यही है तो फिर ये सारी चीज़ें भी सामने आना चाहिए, पक्का प्रूव होना चाहिए। प्रशासन ऐसे ही झूठे किसी भी इंसान को उठा के ऐसा ना फंसाए, और हम ये चाहते हैं कि पूर्ण हिंदू समाज की जो भी आरोपी है, जो भी इस घटना को अंजाम दे रहा है, अगर आज वो नहीं पकड़ा गया तो फिर वो कल से वापस वो वारदात करेगा, वो वापस वारदात करेगा, वापस यहाँ पे पहले से HM हिंदू मुस्लिम यहाँ पे पहले से ही है। ये सारी घटनाओं में किसी न किसी का हाथ है। मैं तो ये निवेदन कर लूँगा शासन और प्रशासन से कि जो मेन मुल्जिम है उसको सामने लेके आए, तब जाके ये पूरी हिंदू समाज संतुष्ट हो पाएगी। अगर ये भी है तो फिर इसमें जो जितने पक्के प्रूफ ला के दे, इस चीज़ से अभी जनता बिल्कुल असंतुष्ट है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है 10 दिन का अल्टीमेट शासन प्रशासन और हमारे विधायक महोदय ने भी इस चीज़ के लिए बोला है कि अगर ये सारी चीज़ें खुलासा नहीं होंगी तो वह खुद स्वयं भी यहाँ पे आएंगी, और इस घटना को अगर मतलब ये अगर नहीं हुआ तो हम 25 तारीख तक इंतजार करेंगे, 26 से उग्र आंदोलन चालू होगा जिसमें इन सभी को जवाब देना बड़ी मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मुख्य आरोपियों को पकड़ा जाए।